ओप्पो F7 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा इसके स्पेक्स के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में, क्या इसमें अच्छी चीज़ें इसके बारे में, क्या बुरी चीज़ है इसके बारे में। और यह वीडियो आज का देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सारी डिटेल्स ओप्पो F7 के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर, आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। ओप्पो 7 तो लॉन्च हो चुका है, जो कि एक तरफ से मिड रेंज डिवाइस है, लेकिन एक तरफ से ओप्पो के लिए फ्लैगशिप डिवाइस भी रहेगी मेरे ख्याल से। और अगर हम सबसे पहले स्पेक्स के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी सारी बातें कवर करेंगे। इसमें आपको 6.23 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 1080p है नॉच के साथ ये डिस्प्ले आ रही है। अब इसमें दो वेरियंट आपको मिल रहा है, 4 GB का 64 GB के साथ और 6 GB का 128 GB के साथ। कैमराज की बात करें तो बैक पर आपको 16 MP का कैमरा मिल रहा है, और फ्रंट जो कि 1.8 अपर्चर है, और फ्रंट पे आपको 25 MP का कैमरा मिल रहा है जो कि 2.0 अपर्चर है, जिसका मतलब ये सेल्फी डिवाइस होने वाली है। इसी तरह प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको हीलियो का P60 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि मीडियाटेक प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3400 mAh की बैटरी मिलेगी। एंड्रॉइड ओरियो के साथ ये डिवाइस आएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। जो प्राइस पाकिस्तान के अंदर निकल गई है 4 GB के वेरिएंट के लिए, वो है 39,900 रुपीज़, और 6 GB की प्राइस है 49,900 रुपीज़। अब हम जरा इसके बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल कोर स्कोर आपको मिल रहा है 1524, और डबल कोर स्कोर है वो आपको मिल रहा है 5871, ये P20 की स्कोर है। अब हम इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नॉच मिले, जिसके अंदर आपको कैमरा, ईयरपीस, सेंसर मिल जाएंगे। फिर आपको 6.23 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। बॉटम पे आपको टच कैपेसिटी बटन्स मिलेंगे, जो कि ऑन स्क्रीन टच कैपेसिटी बटन है, और बॉटम पे थोड़ा सा बेजल भी रखा गया है। अब बैक की बात कर रहे हैं तो बैक पे आपको पता है ओप्पो का डिज़ाइन जो है वो किस तरह का होता है। कॉर्नर पे आपको कैमरा मिल जाता है, फ्लैश मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर और ओप्पो की ब्रांडिंग। ओवरऑल देखा जाए तो स्पेक्स काफ़ी कमाल के रखे गए हैं, और डिज़ाइन भी काफ़ी डिवाइस का अच्छा है। वो जो कलर्स है डिवाइस के वो भी काफ़ी अच्छे रखे गए, और ब्लैक वाला कलर जो है वो बहुत ही कमाल लग रहा है पीछे डिज़ाइन के साथ। अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर क्या अच्छा है। अच्छे की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा गया है डिवाइस का, और ओवरऑल देखा जाए तो स्पेक्स भी ठीक है। जो डिस्प्ले है वो भी डिवाइस की काफ़ी अच्छी है, स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी अच्छी है, रैम की ऑप्शन काफ़ी अच्छी है, और जो फ्रंट कैमरा 25 MP 2.0 अपर्चर के साथ, ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। मुझे पता है ओप्पो और वीवो के फ्रंट कैमरा इस तरह के होते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ बैटरी भी अच्छी रखी गई है, 3400 mAh बैटरी है, तो मैं कहूँगा अच्छी बैटरी है, 3000 नहीं है, 3100 नहीं है, तो एक अच्छी बैटरी भी ऑप्शन मिल रही है। अब बात कर लेते हैं क्या बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ों में सबसे पहले मैं चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो कैमरा सेटअप है बैक का। बैक पे सिंगल कैमरा, जो मेरे ख्याल में डुअल कैमरा सेटअप होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल डुअल कैमरा सेटअप ही ट्रेंड के अंदर, तो मेरा ख्याल है वो होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है। उसके साथ मीडियाटेक का प्रोसेसर। अब मैं ये नहीं कह रहा मीडियाटेक का प्रोसेसर ये बुरा, ये आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेकर आते तो वो एक तो फ़ोन थोड़ा सस्ता भी हो सकता था, और आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जानी थी। इसी प्राइस रेंज के अंदर ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिल सकती है अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेकर आते, लेकिन ये भी प्रोसेसर है जो ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या ये फ़ोन आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात तो 4 GB वाला वेरियंट है वो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको 40,000 का मिल रहा है, 100 रुपया कम है तो वही हो गया, 40,000 का मिल रहा है, तो वो तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। स्पेक्स अच्छे हैं, कैमराज अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन यार जो 6 GB वाला और 128 GB वाला वेरियंट है ना, वो मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा रखा है ओप्पो ने। मेरे ख्याल में वो 45 मैक्स या 44 का होना चाहिए था, मैक्स 44 का, इससे ज़्यादा नहीं था होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल 10,000 ऊपर है, तो वो ज़्यादा भी है। और प्लस 6 GB रैम इतनी यूज़ भी नहीं होती, 128 GB इंटरनल स्टोरेज इतनी यूज़ भी नहीं होती, तो मेरा ख्याल है जो 4 GB और 64 GB वाली ऑप्शन है ना वो बहुत बेहतर है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं अब वो वाली डिवाइस, वो वाली ऑप्शन परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर ही इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए इस तरह की वीडियोस और लेकर आता रहता हूँ, रोज़ाना 7 बजे और 9 बजे। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।